अभी अटल टनल है, ये करीबन 9 किलोमीटर का टनल है, वहाँ पे आए हैं। ऐसे को दूर से देखने से छोटा सा घर टाइप का दिखता है, बट इट इज़ अ लॉन्ग 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 टनल। सो यहाँ पे आए हैं एंड इसके साइड में है ब्यास जो बहरी है, बहुत दूर से लंबी 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 बहुत सी पीछे देख रहे हो ना। तो यहाँ से टनल 9 किलोमीटर का है एंड ऊपर तो सही में बोल रही हूँ ना, वन वर्ड आई कैन से अबाउट रोहतांग पास, पर जो बर्फ में ऑसम लाइक हेवन एंड जबरदस्त फटेगी वहाँ पे जाके, क्योंकि हमारी तो बुरी तरह फट गई वहाँ जाके। ठीक है, सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, मतलब हर किसी को एक बार विजिट करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा केयरफुल होना जरूरी है। अभिषेक को थोड़ी ठंडी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फिर हमने उसको बुरी तरह ढक डाला, मफलर ऑलरेडी लगाया हुआ था पर उसको और डबल डबल कर दिया, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती है लाइक विजयवाड़ा में, एंड यहाँ पे लाइक इट्स ऑपोजिट। सो थोड़ा मैनेज करा, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी टेंशन हुई थी पर फिर सेटल डाउन हो गया, उसके बाद उन्होंने एंजॉय किया बच्चों ने, देन वी रिलैक्स्ड। सो दैट्स इट एंड अभी चलते हैं ये अटल टनल रोहतांग, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। अभी हम लोग अटल जो टनल है उसके अंदर से जा रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जो है 9 किलोमीटर तो है, 9 किलोमीटर सुनने में कम लग रहा होगा, बट इसको बनाने में मतलब ये जो आपको पूरी हिली एरिया दिख रही है वो काट काट के ये 9 किलोमीटर का जो टनल बनाया है, इट टुक अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। बिग, वेरी यू नो फैंटास्टिक बिग थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से आपको भी ऐसे ही लगेगा, तो गजब है यार। एंड उसके अलावा जो हम रोहतांग उस पे गए थे, रोहतांग पास पे हम लोग जिस हाइट पे गए थे दैट वाज 13,050, इतनी ऊपर गए थे, वहां पे सेकंड पे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा था, कभी बरसात हो रही है, एकदम से धूप आ रही है, एकदम से हवा चल रही है, मतलब उस क्लाइमेट में एडजस्ट करना लाइक समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस, वन शुड विजिट वंस एटलीस्ट इन देयर लाइफ टाइम जर्नी। चलो अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली एंड उसके बाद वापस अपने रूम में। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, तो यहाँ पे ठंडी नहीं है बट यहाँ पे अगेन पैरासेलिंग है और छोटी मोटी एक्टिविटीज है, एंड यहाँ पे ये याक भाई साहब है। मैडम फीस ले लो, मैडम ऐसी बात नहीं, देखते भैया पहले अंदर तो जाने दो। मैडम ये क्या है? एंकलेट। एंकलेट, हाँ एंकलेट। कितने का भैया? 120 का, सही बता दो भैया। 120 का तो हम नहीं लेंगे, लगा देंगे, ले लीजिए। 4 कलर्स हैं मेरे पास में, डिफरेंट, मुझे भी ले लो, इसमें मेमोरी रहेगा। हाँ मेमोरी रहेगा, आप सही रेट लगाओगे तो मेमोरी। मेक यू लेस प्राइस। कितना? 4 pair आई गिव यू। 100 बोलोगे? 400। थैंक यू। सो यहाँ पे पीछे जो है रोप वे है एंड पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ओनली बच्चों के लिए है और छोटी जगह है, तो यहाँ पे 500 है, वहाँ पे हम लोगों ने 2000 देके किया है बिकॉज अलॉन्ग विद द वीडियो था, बट फिर उन्होंने 500 रुपये वापस दिए। शायद मैंने आपको आप लोग के साथ वो शेयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो GoPro के साथ जो वीडियो निकाला था बाद में उनका जो SD कार्ड है वो करप्ट हो गया, तो फिर 500 रुपये उन्होंने वापस कर दिए, तो 1500 का जो है राइड हुआ। सर जी देखो वहाँ खड़े, छोटे बच्चे का कहाँ लगेगा भाई, छोटा वो इसके इधर का ही है। सो अभी हम लोग रूपे में बैठ चुके हैं, चिमनी बिल्ली गाइस।
तो ये बड़े आराम से जा रहे आज, मतलब सुबह का जो था थोड़ा ज्यादा मेहनत लग गई, तो बहुत लंबा वाला ये रोपवे है। वैसे जो अंदर बैठे हैं उनको स्लो मोशन में जाता है, लेकिन बाहर से जब देखते हैं ना तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। नाइस। सनलाइट बड़े अच्छे से गिर रही है एकदम फेस पे, पूरा टैन तो हो ही चुके हैं वैसे, बट ये टैनिंग अच्छी है बिकॉज वी एंजॉय इट। एंड ये इतना लंबा रोप वे है, 1 किलोमीटर तो पक्का होगा, उससे ज्यादा भी हो ही सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, कितना ऊपर जा रहा है। एंड साइड से जो है पैरासेलिंग हो रही है ना, तो ये जो रोप वे है उसका कॉस्ट आपको बताती हूँ। ये रोप वे का पर हेड कॉस्ट है 700। वहां पे उनकी एक टेबल लगी हुई है, वो मे बी कितने हाइट की होगी, 2 फीट की हाइट की होगी शायद। तो उनका इनको ऐसा रखना चाहिए था कि भाई इतने एज का फ्री है, इतने एज के बिलो जो है या अबव जो है कॉस्ट लगता है, बट इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो कॉस्ट सबका सेम लगने वाला है, उसके नीचे है तो ही फ्री है बोले। तो हम चारों का फुल साइज लगा है, फुल कॉस्ट लगा है पर हेड 700। तो रोप वे के लिए 2800 हमको लगा है चारों का। तो ये ऑल्दो ये 6 इयर्स का एडमिशन, बट उसका भी फुल चार्ज है, तो मे बी बस ओनली 2 या 3 साल के बच्चों का ही फ्री होगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो अभी यहाँ पे रोपवे के पास ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़े से व्यू पॉइंट्स है, ऊपर कॉफी मिलती है कि नहीं देखते, केव तो लिखा है एंड यहाँ पे अच्छा अच्छा व्यू पॉइंट है। अटल है उद्दम नानोक सारी, सो ये भी बहुत अच्छा है, वर्थ स्पेंडिंग। यहाँ पे घोड़े हैं, घास चर रहे हैं। सो यहाँ पे गधे एंड घोड़े हैं, एंड अगेन फिर यहाँ पे ये घाटी पूरी, एंड उधर जो है फिर स्नो है, उधर तक हम लोग जाके आए थे। ये ले, टॉपेस्ट प्लेस है इंडिया का ये, रोहित भैया देखिए आप। तो यहाँ पे बाल ना सुबह इतने ज्यादा अच्छे सिल्की सिल्की थे, अभी पूरे एकदम ड्राई एंड ना स्टिकी स्टिकी से लग रहे हैं। ऐसे देखो बिल्कुल अड़ गए हैं, और कान भी ना ऊपर आके एकदम ब्लॉक से हो गए। तो जब कान ब्लॉक हो जाते हैं ना, नाक और मुंह बंद करके ना कान से हवा बाहर छोड़नी चाहिए ऐसे, तो जो कान है वो फ्री हो जा रहे हैं। चलो अभी कॉफी देख के आते हैं। सो यहाँ की जो है आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिमाचल एसोसिएशन, एंड दिस इज केफ वर्टिकल लिमिट। हाँ वेज नूडल्स के लिए ना एक एक्स्ट्रा प्लेट दे दीजिएगा। ठीक है, एक आपको कॉफी हो गया और एक आपको वेज नूडल्स। अभिषेक के लिए हमने खरीदा था क्योंकि उसको ठंडी ज्यादा लग रही थी, तो अभी उसने उतार दिया तो मैंने पहन लिया। गंजू बटोल लग रही है ना, बट ठीक है, बाल ना एकदम स्टिकी स्टिकी से हो गए। एंड यहाँ पे दूध, एक वेज नूडल्स और बच्चे के लिए कॉफी, दूध और वेज नूडल्स ऑर्डर किया है। बैटरी खत्म होने वाली है इसकी कैमरे की। यहाँ कुत्ते को जो है घोड़ा डरा रहा है। सो रोपे का एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफी, एंड कॉफी भी काफी बढ़िया थी। नूडल्स हमने पैक करा लिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रोहतांग पास एंड सोलंग वाले का
ये ट्रिप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जहां तक मेरे से हो सकता था मैंने शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 लाइक चिपका देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना घंटी बजा के। आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल कैच यू बैक अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।